Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 25th January 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about National Voters Day. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view. So, okay. आज का दिन यानी कि 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर 1950 तो इसी कारण से भारत सरकार ने साल 2011 में फैसला किया कि हम इस दिन को नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे तो साल 2024 में वी आर नाउ सेलिब्रेटिंग फोर्टीन नेशनल वोटर्स डे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 25 जनवरी 1950 में ही बनाया गया लेकिन 2011 में फैसला हुआ याद रखिएगा और इस साल का थीम है नेशनल वोटर्स डे का नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर यही थीम लास्ट ईयर भी था जिसको बदला नहीं गया है नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है कि यूथ के अंदर खासकर अवेयरनेस क्रिएट की जाए रिगार्डिंग वोटिंग ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग में पार्टिसिपेशन हो पाए तो वोटिंग से संबंधित यूपीएससी ने काफी एक अच्छा छोटा बट अच्छा प्रश्न पूछा था साल 2017 में ये वो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप कीजिए। चाहिए तो आप इस हिंट्स को भी पढ़ सकते हैं नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया। लेकिन 2011 से मनाया जा रहा है थीम इज नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर नेक्स्ट टॉपिक इज टर्की फाइनली बास नाटो मेंबरशिप बेट

उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूएस ने एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा गया नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंट्रीज हु अलोंग द अटलांटिक ओशन नॉर्थ अटलांटिक ओशन इसी तरीके के अग्रीमेंट दुनिया के बाकी देशों के साथ भी किया यूएस ने अलग अलग रीजन के लिए फॉर एग्जाम्पल इस रीजन के लिए सियाटो बगदाद पाको और यूएस ब्लॉक के इस नेटो के जवाब में यूएसएसआर ब्लॉक ने बनाया वॉर्स पैक्ट तो ये जो नैटो है या वॉर्स पैक्ट है दे वे आर क्रिएटेड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव डिफेंस कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है कि वेन फ्यू ग्रुप ऑफ कंट्रीज कम टूगेदर ऑन एन आइडिया ऑफ वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इसका सरल सा मतलब है कि अगर हम पे कोई भी एक कंट्री अटैक करता है कोई भी एक थर्ड पार्टी हम पे अटैक करता है तो हम सब मिल करके काउंटर अटैक करेंगे वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन दैट इज आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस तो कलेक्टिव डिफेंस के आइडिया पे यूएस ब्लॉक ने बनायांटिकेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर और उसको काउंटर करने के लिए वार्स ऑफ एक्ट बनाया बोथ वेयर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कलेक्टिव डिफेंस नाटो इज स्टिल्स ऑफ एक्ट गॉट डिजॉल्ड आफ्टर डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन नाइनटीन नाइनटी वन अच्छा जब कलेक्टिव डिफेंस की बात चल रही है तो एक और कॉन्सेप्ट देख ही लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन ओवरऑल उसमें भी जो यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग पीस एंड सिक्योरिटी इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी तो कलेक्टिव डिफेंस में क्या होता है कुछ एक देश आपस में मिलकर के ग्रुप बनाते हैं ऑन द आइडिया ऑफ वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन कलेक्टिव सिक्योरिटी इज ए ग्लोबल फिनोमिना यहाँ पे दुनिया के लगभग सारे देश आपस में मिलकर के ग्रुप बनाते हैं कि भैया हम लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और फिर भी अगर कोई देश इंटरनेशनल पीस हारमनी को हैम्पर करता है किसी देश की सोवरेनिटी को हैम्पर करता है तो फिर हम सब मिल करके उसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी कलेक्टिव सिक्योरिटी एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज बेस्ड ऑन दैट आइडिया कलेक्टिव डिफेंस एक लोकल वेयर फ्यू कंट्रीज फॉर्म सच ग्रुप तो यूएस ब्लॉक ने बनाया

वर्क अराउंड द आइडिया ऑफ में क्या कर रहा है धीरे धीरे इट इज फोकसिंग ऑन ईस्ट वक्सटेंट इज इंक्रीजिंग सेवन के बाद से आप देखिए कितने सारे देशों ने नैटो को ज्वाइन किया है और ये इसमें से कई सारे ऐसे देश है जो पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे अब यूएसएसआर का कोर हुआ करता था रसीन रसिया के अराउंड ही यूएसएसआर बिल्ड हुआ था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही वॉज अ यंग के जी बी एजेंट एट द टाइम ऑफ डिस इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन नाइनटीन वन तो व्लादिमिर पुतिन को स्टार्टिंग से ही हमेशा एक ऐसी बात लगती थी कि उनको कभी ना कभी रसिया का वो जो ग्लोरी है उसको रिवाइव करना है

रसिया ने अपना अग्रेशन दिखाया व्लादिमिर पुतिन के प्रेसिडेंट बनने के बाद से तो यूएस ने रशिया के इस अग्रेशन को काउंटर करने के लिए धीरे धीरे ईस्टवर्ड एक्सटेंशन करना शुरू किया ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को नाटो के साथ मिलाना शुरू किया और आप देखिए 1997 के बाद से कितने सारे देशों ने जो रसिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं जो पहले यूएसएसआर का मेंबर हुआ करते थे दे हैव ज्वाइंट नाटो सो नेचुरली इट अलाउम्ड रसिया स्पेशली अंडर लीडरशिप ऑफ पुतिन अब बात आई यूक्रेन की तो यूक्रेन वॉज ऑल्सो अर्लियर वन ऑफ द यूएसएसआर मेंबर सोवियत यूनियन मेंबर यूक्रेन ने भी विलिंगनेस एक्सप्रेस की नेटो ग्रुप को ज्वाइन करने की अब तो आप देखिए अगर यूक्रेन भी नेटो ग्रुप को ज्वाइन कर लेता तो यू रसिया के बॉर्डर पे आ जाते बिल्कुल नेटो वैसे भी कुछ जगहों पे तो बॉर्डर पे हैं ही यहां पे एक लार्ज बॉर्डर शेयर करते हैं ग्रुप कंट्रीज विथ रसिया तो नाटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को देखते हुए खासकर यूक्रेन की विलिंगनेस को देखते हुए कि यूक्रेन इज आल्सो विलिंग टू नाटो ऑल्सोटो पुतिन ने काफी अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई 2014 में आपको पता है यूक्रेन को रिटेन किया यूक्रेन का एक पेनेंसुला क्रीमियन पेनेसुला को फोर्सफुली अक्वायर कर लिया ये देखिए यहां पे क्रीमियन पेनेंसुला दैट वॉज फोर्सफुली अक्वायर बाय रसिया उसका अपना स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था दस क्रीमियन पेनेसुला अलाउज रसिया एक्सेसिबिलिटी टू मेडिटेरियंसी थ्रू आउट दर क्योंकि रसिया के जो नदन पोर्ट्स हैं वो विंटर के टाइम में फ्रोजन अप हो जाते हैं वो एक अलग बात है सेवास्तो पोल पोर्ट यहा है यहाँ पेट है सिग्निफिकेंस बट आप ये भी कह सकते हैं कि 2014 में रसिया गेव अ काइंड ऑफ वार्निंग टू यूक्रेन कि यू प्लीज डोंट ज्वाइन और इट डोंट इवन थिंक इट वॉज अ काफ इंडायरेक्ट मैसेज टू यूक्रेन बेलारूस अभी भी वो बेलारूस रशिया का पार्टनर रहा है सोवियत यूनियन के टाइम से स्टिल इट कंटिन्यूज द सेम काइंड ऑफ बॉर्न होमी विथ रसिया यूक्रेन इज हेडिंग। आप देखिए इस्टोनिया लाटविया तो ज्वाइन कर ही चुके हैं नैटो को तो यहाँ पे तो नेटो इज ऑलरेडी शेयरिंग बॉर्डर विथ रसिया डज नॉट वॉन्ट कि यूक्रेन ज्वाइन कर ले नैटो को और यूक्रेन ने 2022 में स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस दिखाई टू ज्वाइन वेन इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग नैटो तो फिर 2022 के फ़रवरी या मार्च में आपको पता है रसिया इन्वेडेड यूक्रेन अदरवाइज देयर कुड बी नो अदर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड रशिया अटैक ओवर यूक्रेन बाकी कई सारे कारण बताए जाते हैं रसिया फॉर्मली कई सारे स्टेटमेंट्स देता है बट द मेन रीजन वॉज दैट रसिया वॉन्टेड टू प्रिवेंट यूक्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग नैटो अदरवाइज नैटो ग्रो फुड कम एट द बॉर्डर ऑफ रसिया और यही तो चाहते हैं नैटो वाले अभी कोल्ड वॉर तो खत्म हो चुका है तो यूएसएसआर तो है नहीं तो यूएसएसआर का कोई भी एक छोटा पार्ट कोर ऑफ यूएसएसआर इफ इट इज ट्राइंग टू रिवाइव इट्स लॉस्ट ग्लोरी नेचुरली रसियालीड बाई यूएस विल ट्राई टू स्टॉप दैट और दैट लेड टू अ अन्फ्लिक्ट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन 2022 से अब लगभग दो साल होने को है ये कंफ्लिक्ट चल रहा है देखिए इसका नतीजा क्या हुआ ये दोनों देश स्वीडन और फिनलैंड जो लगभग 200 सालों से न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फॉलो कर रहे दे रिमेन इन न्यूट्रल इवन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टाइम फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी सो दे हैड नाइदर यूएस ब्लॉक ब्लॉक और यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बट ये दोनों देश भी रशिया के इस अग्रेसन को देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वी विल बी ज्वाइनिंग नेटो तो आप कह सकते हैं कि रशिया का ये अप्रोच कि हम डरा धमका करके यूक्रेन को ज्वाइन नहीं करने देंगे नेटो उसने बैकफायर कर दिया और दो ऐसे देश खासकर फिनलैंड देखिए इतना लंबा बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ इट एक्सप्रेस्ड विलिंगनेस टू नाटो अर्लियर अ न्यूट्रल कंट्री फिनलैंड ने तो नाटो ज्वाइन कर लिया बट स्वीडन की नाटो मेंबरशिप को काफी वक्त लग गया लगभग दो साल लग गया क्या प्रॉब्लम समझिए नाटो के अंदर क्या नियम है कि जब तक सारे मेंबर कंट्रीज अप्रूवल नहीं देंगे तब तक किसी नए मेंबर को एंट्री नहीं दी जा सकती नाटो के अंदर स्वीडन की जो एंट्री है नेटो में डेट वाज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड बाय टर्की टर्की क्यों ऑब्सट्रक्ट कर रहा था स्वीडन की एंट्री वो भी जरा समझते टर्की के अलावा दूसरा देश हंगरी भी है ये दोनों मेनली स्वीडन की एंट्री को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे तो टर्की के ऑब्सट्रक्शन के पीछे बड़ा कारण है वहां का एक लोकल ग्रुप कुर्द्स देखिए कुर्द एक लोकल ट्राइबल कम्युनिटी है जो इस रीजन में रहते हैं कुर्द्स टर्की इराक सीरिया और ईरान बॉर्डर में रहते हैं एंड दीज कुर्द्स आर लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड फॉर दैट रीजन दे हैव क्रिएटेड अ आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप आल्सो पी के एंड दे आर लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड दे वांट टू क्रिएट अ सेपरेट कंट्री कुर्दिस्तान तो बेसिकली कुर्द्स आर इंसर्जेंट ग्रुप लुकिंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड मेकिंग ऑफ अब ऑफ अ सेपरेट कंट्री कुर्दिस्तान और कुर्द्स के इस डिमांड को सपोर्ट करता रहा है स्वीडेन तो इसका मतलब ये है कि टर्की की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थ्रिटेन हो रही है कुर्दिस्तान के डिमांड से और उसको सपोर्ट कर रहा है स्वीडन तो नेची टर्की विल ऑब्जेक्ट स्वीडेन तो टर्की ने दो साल तक स्वीडन की मेम्बरशिप टू तो नेटो को ऑब्जेक्ट किया लेकिन अब न्यूज यही निकल करके आ रही है कि टर्की के पार्लियामेंट ने फाइनली अलाउ कर दिया है, है रेटिफाई कर दिया है, आ, इंट्री टू नाटो। बात रही हंगरी की हंगरी ने भी ऑब्जेक्ट किया कई सालों तक लगभग दो सालों तक स्वीडन की एंट्री टू नेटो हंगरी के ऑब्जेक्शन के पीछे कारण ये है कि हंगरी के अंदर जो भी जिस भी तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम है वो वहां पे जिस तरीके से इलेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा फ्री या फेयर इलेक्शन नहीं होता है ऐसा मानना है स्वीडन का तो स्वीडन ने कई दफा हंगरी के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको क्रिटिसाइज किया है क्रिटिस फेक डेमोक्रेसी दैट इज वाई बिकॉज स्वीडन हैज मॉक हंगेरियन डेमोक्रेटिक सेटअप सो मेनी टाइम्स इन द पास्ट हंगरी हैज बीन ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्टिंग स्वीडन एंट्री इन टू नैटो अब न्यूज ये निकल करके आ रही है कि तर्की ने तो अपना है टर्कीम थर्टी फर्स्ट में थर्टी सेकेंड नाटो. लेकिन अभी भी हंगरी का अप्रूवल बाकी है देखते हैं हंगरी का भी अप्रूवल आ ही जाएगा हंगरी डिले रेटिफिकेशन ऑफ स्वीडनो एक्सेस के ऊपर ये प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने 2016 के प्रीलिम्स में प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन नाटो के ऊपर इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं मेंस क्यों क्योंकि हाल फिलहाल में यूएस ने भारत को भी इनविटेशन दिया था कि नाटो का एक एक आउटर कोर बनाया जाए आउटर ग्रुप बनाया जाए जिसका नाम दिया जाए नाटो प्लस जिसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान जराइल जैसे देशों को इन्वाइट किया यूएस की कांग्रेसनल कमेटी ने तो मुझे लगता है कि इस तरह का प्रश्न आ सकता है इस बार कि नाटो हैज सोन इट सॉलिडेरिटी इन द फेस ऑफ रशियन इन्वेजन इन ऑफ यूक्रेन नेटो की सॉलिडेरिटी और बढ़ी है इन दिस कॉन्टेक्ट शुड इंडिया ज्वाइन नाटो प्लस आज रिसेंटली प्रपोज बाई यूएस नाटो जिस तरीके से मजबूत आज भी है डिस्पाइट एंड ऑफ कोल्ड वॉर और जिस तरीके से नैटो ने अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट किया है इस हालत इस चीज को देखते हुए क्या इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए नेटो प्लस को आंसर ऑफ कोर्स इज नो आपको पता है कि नेटो प्लस जब प्रपोज आया था प्रपोजल आया था यूएस के तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर साहब ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था कि इंडिया वाज नेवर पार्ट ऑफ एनी अलायंस सिस्टम बिकॉज अलायंस सिस्टम का पार्ट होना मतलब लूजिंग आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सो हमने कभी भी किसी अलायंस सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया है एंड वी लुक फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मेंटेनिंग आवर स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मैंने थोड़ा हिंट्स दे रखा है आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए अगर आप इस साल मेन्स या इस साल का प्रलिम्स नहीं दे रहे हैं तो इफ यू आर अटेम्प्टिंग नेक्स्ट ईयर अगर इस साल का पी टी दे रहे हैं तो मेन्स के आंसर लिखना अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं व्यवटी तो सेकेंड है? में कोल्ड वॉर के टाइम में बनाया गया था बाई यूएस ब्लॉक वॉशिंगटन ट्रीटी कलेक्टिव डिफेंस के आइडिया पे बेस्ड है

टुगेदर आर रीजन बिहाइंड रशियाजन ऑफ यूक्रेन लेकिन रसिया का ये जो अग्रेशन है ये बैकफायर किया है स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश जो पहले न्यूट्रल थे दे ऑल्सो डिसाइडेड टू ज्वाइन नेटो प्रॉब्लम क्या है कि नेटो की मेंबरशिप रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम ऑल नेटो मेंबर्स टर्की हज ऑब्जेक्टेड मेंबरशिप ऑफ स्वीडन बिकॉज ऑफ दिस कुर्द रीस फैक्टर्स पीके के ग्रुप है उनका और हंगरी एज ऑल्सो ऑब्जेक्टेड स्वीडन मेंबरशिप एज स्वीडन हैंग्री तो ये सारी चीजें याद रखनी है The next topic is about direct listing of Indian companies to gift IFSC. This topic is important for इंपॉर्टेंट फॉर्म सिलेबस paper three, Indian economy point of view. देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले हम लोग स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में जरा समझ लेते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं दे आर मार्केट थ्रू विच capital फंड कंपनियां अपने नए शेयर लॉन्च कर सकती हैं जिसको कहा जाता है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और वहां से फिर वो कैपिटल फंड रेज कर सकती हैं अपने शेयर्स बेच करके तो स्टॉक एक्सचेंजेस तो कई सारे हैं हमारे देश में लेकिन जो प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज है सबसे पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एटीन में बनाया गया था इसका इंडिकेटर है सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप थर्टी कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल

अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा भारत ने बनाया एक तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज और भी हैं छोटे छोटे कोलकाता स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज एंड ऑल नेशनल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्योंकि तो हम चाहते थे ये क्यों बनाया गया वो समझिए क्योंकि तो दुनिया के कुछ ऐसे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो इंटरनेशनल हब माने जाते हैं जैसे लंडन स्टॉक एक्सचेंज लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे दुनिया के अलग अलग देशों के मेजर इन्वेस्टर्स वहां पे इन्वेस्ट करते हैं वहां की लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो हम चाहते थे कि हमारे देश में भी ऐसा एक इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज बने जो तमाम डिजिटल फैसिलिटीज के साथ आ, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एन ने ही एक नया स्टॉक एक्सचेंज बनाया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन द गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात तो गुजरात का एक गिफ्ट सिटी का पूरा नाम ही है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी इसको पूरा नई टेक्नोलॉजी से सपोर्ट दिया गया है तो गिफ्ट सिटी ऑफ गुजरात इसी तरीके से डेवलप ही किया जा रहा है कि वो भारत का नया फाइनेंशियल हब बने और भारत का ही नहीं दुनिया का जो फाइनेंशियल हब्स है जैसे हांगकॉन्ग लंडन लगजमबर्ग वैसा गिफ्ट सिटी डेवलप हो तो गिफ्ट सिटी में एक इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया है दैट इज दिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जिसका मेन गोल है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी इन्वाइट किया जाए इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है अब भारत की जितनी भी कंपनियां हैं उनको भारत सरकार ने अलाउ किया है भारत की जितनी भी पब्लिक इंडियन कंपनियां हैं उनको भारत सरकार ने डायरेक्ट लिस्टिंग अलाउ किया है इन दिस गिफ्ट आई तो अब भारत की कंपनियां सीधा सीधा इसमें आई में, में रजिस्टर कर सकती हैं इससे फायदा क्या होगा भारत की सारी कंपनियां फॉरेन मार्केट से क्योंकि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो दिस विल अलाउ इंडियन कंपनीज टू हैव एक्सेसिबिलिटी टू चीपर फॉरेन कैपिटल दिस विल इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री एंड ब्रॉड एन इन्वेस्टर बेस फॉर इंडियन कंपनी तो इससे फायदा क्या होगा कि मौजूदा टाइम में हाई फिजिकल डेफिसिट होने के कारण आपको पता है कि पैंडेमिक के बाद से डेट टू जीडीपी डी पी बढ़ गया है भारत सरकार का इंटरेस्ट पेमेंट ओवरऑल बढ़ गया है तो फिस्कल डेफिसिट भी काफी बढ़ गया लगभग पाँच साढ़े पाँच परसेंट के आसपास है फिस्कल डेफिसिट बढ़ना मतलब बोरोइंग बढ़ना तो भारत सरकार काफी सारी बोरोइंग कर रही है हाल फिलहाल इस ज्यादा बोरोइंग के कारण प्राइवेट सेक्टर का क्राउड आउट हो रहा है मीन्स लेस मनी इज लेफ्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर एंड दैट इज अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी तो ये जो नए इनिशियेटिव हैं दीज विल अलाउ एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन कंपनीज टू सम फॉरेन मार्केट फॉरेन इन्वेस्टमेंट And that will crowd in crowd of private sector जब भारत सरकार से इतना इन पैसा लोन के तौर पे ले रही तो एक्सेसिबिलिटी देना होगा टू तो द फॉरेन मार्केट और फॉरेन मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के अंदर ऑलरेडी इस, इस आईएफसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे देव बीन अलाउड टू रेस फंड बाई डायरेक्टली लिस्टिंग गिफ्ट आई एफ एस सी सो क्राउड आउट एपीएससी ने लास्ट ईयर भी पूछा क्राउड आउट ना पूछ करके क्राउड इन पूछ लिया आने वाले सालों में क्राउड आउट इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि इंडियन कंपनी का क्राउड आउट हो रहा है तो वैसे हालत में क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो आपको याद रखने आपको याद रखना होगा की एडीआर जी डी आर भाप कई सारी इंडियन कंपनियों के लिए सरकार ने एग्जेम कर दिया है

इट इज इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज लाइक लंडन स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑल करंट न्यूज ये गवर्नमेंट हज अलाउड डायरेक्ट लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनी इज पेम्बा इफेक्ट दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर माइलेबस जी एस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या है पेम्बा इफेक्ट वो जरा समझते हैं देखिए पेम्बा इफेक्ट कहता है कि हॉट वॉटर और कोल्ड वाटर सिमिलर कंडीशन में अगर हम कूल cool डाउन करना शुरू करें तो हॉट वाटर पहले फ्रीजन अप हो जाता है फ्रोजन अप हो जाता है समझिए इस बात को गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों को एक साथ एक तरीके से अगर आप ठंडा करना शुरू करें तो जो गर्म पानी है वो जल्दी फ्रीज हो जाता है ठीक है सुनकर के आपको थोड़ा सा बेजार लगा बट यही तो ये इफेक्ट है यही तो ये फिनोमिना है बिकॉज इट इज अ काउंटर इंट्यूटिव फिनोमिना हमारे इंट्यूशन के कहीं जाता है सोच के क्या लगे कि गर्म पानी बाद में फ्रीज होगा ठंडा पानी जल्दी फ्रीज होगा लेकिन होता उल्टा है इसी को कहा गया पेम्बा इफेक्ट पेम्बा नाम आया है फ्रॉम स्टूडेंट इरा पेम्बा जिसने इस फिना को हाईलाइट किया था नाइनटीन ऐसा नहीं है कि पेम्बा ने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया इनफैक्ट एंशियन टाइम से ही फिलोसफर्स लाइक अरिस्टोटल एंड देन फ्रांसिस बेकॉन रेने डेकार्ट इन्होंने भी इस ऑब्जर्वेशन के बारे में मेंशन किया है बट

वार्म वाटर में कैसा रहता है वार्म वाटर में माइक्रो बबल्स रहते हैं गर्मी के कारण छोटे छोटे बबल्स रहते हैं और वो बबल्स जो है वो मूव करते हैं ऊपर के साइड सो दैट इज हाउ दीज माइक्रो बबल्स नीचे से आते हैं ऊपर मूव करते हैं तो दैट इज ए काइंड ऑफ कन्वेक्शनल विंड कन्वेक्शनल विंड क्या होता है जो राइज करता है वर्टिकली तो कन्वेक्शन एक तरीका हो गया जिसके थ्रू ये हीट लूज कर रहा है बबल्स आर कमिंग अप टू द एटमोस्फेयर सो इन दैट वे इट इज लूजिंग हीट टू द एटमोस्फेयर एट ए फास्टर बेस तो इनका कहना है कि नीचे से जो माइक्रो बबल जल्दी जल्दी ऊपर आ रहे हैं कन्वेक्शनल विंड की तरह जैसे रेनफॉल कैसे होता है कन्वेक्शनल विंड के कारण ही तो होता है हीटिंग के बाद तो वैसे ही माइक्रो बबल्स ऊपर आ रहे हैं जल्दी जल्दी तो उस प्रोसेस में कन्वेक्शन के कारण जल्दी जल्दी हीट लूज हो रहा है और दैट इज वाई जल्दी जल्दी हीट लूज होने के कारण ये पहले फ्रीज हो जाता है दूसरा है इवापोरेशन। देखिए आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में हम लोग ऐसे मटके के अंदर पानी भर के रखते हैं और वो मटके का पानी ठंडा हो जाता है क्यों क्योंकि मटके से जो पानी है थोड़ा थोड़ा सीप करके सरफेस पे आता है और सरफेस पे फिर वो जब इवेपोरेट होता है तो के लिए उसको हीट चाहिए होता है वो हीट वो लेता है मटके से मटके के सरफेस से और इस तरीके से वो मटके के सरफेस का हीट लेकर के इवेपोरेट हो जाता है और इस तरीके से मटके के सरफेस को वो ठंडा कर देता है एंड इन दैट प्रोसेस फिर वो मटका अंदर रखे हुए पानी को ठंडा कर देता है सो so, यही काम हो रहा है शायद से वार्म वाटर में भी कि वार्म वाटर का कैसा है कि सरफेस तो गर्म है तो गर्म है तो फिर वहां पे लगातार इवेपोरेशन हो रहा है या आउट अपर सरफेस जैसे मान लीजिए वार्म वाटर होता तो इसका अपर सर्फेस तो गर्म है यहाँ पे लगातार इवेपोरेशन हो रहा है तो इस कारण से वो हीट लेकर के स्केप कर रहा है इस प्रोसेस में वो ज्यादा ज्यादा हीट लूज कर रहा है जल्दी जल्दी एंड इन दैट प्रोसेस इट गेट्स फ्रोजेन अप मोर क्विकली इसी को एक्सपेरिमेंट को कहा गया है ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर आपको पता है थर्मोमीटर के ऊपर अगर आप एक कॉटन लगा दें इस तरीके से और कॉटन को आप गीला कर दें तो फिर आप देखेंगे कि थर्मामीटर कम टेम्परेचर दिखाने लगता है क्यों क्योंकि ये जो गीला कॉटन है यहाँ पे इवेपोरेशन होगा इवेपोरेशन होगा तो हीट लेकर के ये स्केप करेगा एंड दैट इज हाउ द विल बी रिड्यूस्ड वाइट वेट बल्ब टेम्परेचर इज लेस देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो यही फिनोमिना है दूसरा वाला कि शायद से इवेपोरेशन हो रहा है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ दिस लिक्विड एंड दैट इज लीडिंग टू क्विकर कूलिंग ऑफ वार्म वाटर एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू फ्रीजिंग अल्टीमेटलीफ तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है

दो मिलिटेंट आउटफिट हैं मणिपुर में दैट आर एसोसिएटेड विथ मीतीस मीतीज आपको पता है मणिपुर के अंदर वैली एरिया में रहने वाले ग्रुप है तीन ही तो ग्रुप हैं मणिपुर में नागा कुकीज जो हिल्स में रहते हैं और मीतीस वैली में रहते हैं तो मीतीस के दो हार्डलाइन ग्रुप्स हैं आज के डेट में एक है ये आरम तेंगोल और दूसरा है मीति लेपुन और ये जो आरम तेंगोल है दैट वाज एट द फोर फ्रंट ड्यूरिंग द कंफ्लिक्ट कुकीज इन मनीपुरड इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री न्यूज क्या है हरमबाई बाई तेंगोल ने हाल फिलहाल में एक समन भेजा जितने भी मीतीस एम एल एम या मिनिस्टर्स है उनको समन भेजा कि आओ मिलो बैठो बातचीत करते हैं आठ कांगला कंगला इम्फाल और बात ऐसी है कि लगभग सारे ही एम एल एम पी मिनिस्टर्स पहुंच गए सो दिस रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ दिस या पॉपुलरिटी ऑफ दिस एरम बाई तेंगोल इट वॉज इन न्यूज इट मे बी आस्ट इन फिल्म ंगोल दो हजार बीस का रिसेंटली क्या हुआ है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पावर सिस्टम फॉर वन करोड़ हाउस दिस इज रॉन्ग स्टैंड अलोन नहीं ग्रीड कनेक्टेड स्टेटमेंट गलत है गवर्नमेंटल बॉडी ऑफ दैट पब्लिशेस असेसमेंट रिपोर्ट इन एवरी फाइव ईयर यहां जाकर के गलत हो जाता है हर पांच साल पे तो रिपोर्ट नहीं आता है कभी पांच साल हो जाता है कभी सात साल भी हो जाता है इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड डब्ल्यूएमओ दिस इज रॉन्ग इट वॉज इस्टिश बाय यू ईपी एंड डब्ल्यूएमओ तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुई है Participation in the IPCC is open to all member countries of wmo एन यू एन दैट इज ट्रू सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आपको पता है हुलो गिबोन तो अपने नॉर्थ ईस्ट में मिलता है तो ये तो गलत है पहला दूसरा सही मैच था तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दर्ट सल फ्रॉम आर सर फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग